जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विड़तर यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों के सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो और जो लोगों के मार्क्स नहीं आए उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपका दिन जो है वो एक ना एक दिन जरूर आएगा, तो बिल्कुल लगातार तैयारी करते रहिए, तैयारी में बिल्कुल भी कसर मत छोड़िए। आज का जो वीडियो है वो वीडियो रिगार्डिंग है जीएस के पैटर्न को लेकर कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी ने इस बार पुट ऑन करे थे आपके एग्जाम में, तो कुछ एनालिसिस थोड़ा बहुत एनालिसिस मैं करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। मैंने जो पेपर देखे मुझे क्या लगा इन पेपरों को देखकर, कैसे आप आगे के अपनी तैयारी कर सकते हो, खासकर जनरल स्टडीज को लेकर कौन सी चीज़ें आपको फोकस करनी है जनरल स्टडीज को लेकर, क्या गलतियाँ लोगों ने करी इस बार के एग्जाम में और कैसा आगे का पैटर्न होना चाहिए, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। बट आगे की बात करने से पहले, जनरल स्टडीज़ की बात करने से पहले, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि आगे जाके एसएससी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मतलब कि जो एसएससी है वो आगे वाले एग्ज़ाम्स को लेगी कि नहीं लेगी, सीटेट आ जाएगा या क्या होगा फलाना ढिकाना, इनमें ही कई लोग सोच रहे हैं। पर मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देता हूँ सर, कि चाहे सीटेट हो चाहे एसएससी सेपरेटली आपका एग्ज़ाम ले, सिलेबस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए होगी। जो तीन चीज़ें अभी आपके एग्जामिनेशन में आती हैं वो तीन चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आती रहेंगी, याद रखना, चाहे वो सीटेट हो चाहे कोई और एग्जामिनेशन हो, डजेंट मैटर। तो ये बिल्कुल मत सोचिए क्या पैटर्न होगा क्या नहीं होगा, आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके पास टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि पेपर के हिसाब से आपको खुद लग रहा होगा कि पेपर अब एसएससी ऐसे सेट लग रहा है जिनमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, वो लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब भी पेपर होगा, जैसा भी पेपर होगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल याद रखिए, पेपर होना है वो एक दिन होगा, बट मेक श्योर कि जब भी पेपर हो आपकी तैयारी पूरी हो। हम इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट इतना कर देते हैं कि जब पेपर आ जाता है फिर हमको ऐसा लगता है कि यार तैयारी तो हो ही नहीं पाई, काश तैयारी कर लेता। तो ये काश नाम का वर्ड आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। चलिए हम बिना देर करें हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। जनरल स्टडीज़ का जो लेवल था इस बार वो टफ लेवल था, अगर मैं बात करूँ तो टफ़ एसएससी ने जनरल स्टडीज़ को टफ बना ही दिया है, ये चीज़ आप मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि एसएससी के ट्रेन की हम बात करें तो एसएससी दो चीज़ों को टफ करता जा रहा है, एक जनरल स्टडीज़ को हो गया और आपका एक रीजनिंग को हो गया। दो चीज़ों की हम बात करें तो एसएससी इन दोनों चीज़ों का लेवल धीरे धीरे क्या कर रहा है आपका बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का लेवल टफ होता जा रहा है, ये आपको आज नहीं कल जाके एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको इन दो सेक्शंस में स्कोर करना है तो अब आप इन दो सब्जेक्ट्स को हल्के में नहीं ले सकते जैसा आप पहले करते थे। नॉर्मली एसएससी के एस्पायरेंट के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जनरल स्टडीज इज जस्ट लाइक एंड ठीक है यार, ठीक है करने वाला सब्जेक्ट होता है, उसका कर लेंगे। वो ज़्यादा प्रायोरिटी इस सब्जेक्ट को नहीं देते हैं क्योंकि एसएससी की जीएस पहले ठीक ठाक आती थी, बट अगर आप दो तीन साल के पैटर्न को उठा के देखोगे तो एसएससी लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में और रीजनिंग के सेक्शन में खासकर। ठीक है, तो इन पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने जहाँ तक एनालिसिस करा उस एनालिसिस में मैंने पाया कि कई सारे लोगों ने ठीक ठाक स्कोर करा, जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने ठीक ठाक स्कोर कराए, बट दिक्कत कई सारी प्रॉब्लम एक ये हुई है कि कई सारे लोगों की माइनस मार्किंग ज़्यादा हो गई है तो नंबर कम हो गए हैं। बाकी इस एग्ज़ाम में अगर आपके 25 प्लस नंबर हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग 35 40 42 वाले नंबर हैं वो बहुत हार्डली बहुत कम लोग हैं। अगर आपके 25 प्लस नंबर हैं या 30 प्लस नंबर हैं तो आपके बहुत बढ़िया नंबर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सीधे मैं आता हूँ कि पेपर का लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट से टफ लेवल आप मान सकते हो, इजी नहीं था आपका लेवल, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। पर अब फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक कंप्लीटेड है और कुछ चीज़ें अगर आप ठीक ठाक ढंग से करते हो तो इस टाइप के एग्जाम में भी आप 30 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते थे और लोगों ने करे भी हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि सर करंट अफेयर्स 2019 का पूछा या उल्टा पुल्टा करंट अफेयर्स पूछा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर 7 या 8 या 9 नंबर के करंट अफेयर अगर पेपर में आ रहा है तो उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, आराम से आप उन्हें कर सकते थे अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स ठीक ठाक ढंग से पढ़ाए। कई लोगों ने अगर मेरी कंपाइलेशन की वीडियोज़ भी देखी हैं तो अभी वो 4-5 क्वेश्चन कर सकते थे करंट अफेयर्स के। ठीक है, मैंने अपनी वीडियोज़ में लगातार बोला था कि स्पोर्ट्स के सेक्शन को आप इग्नोर मत करना, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे थे, सुपर लीग पूछा गया आपका, T20 वर्ल्ड कप, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप पूछा गया, ICC ट्रॉफी पूछ ली गई आपकी। ठीक है, सुपर लीग से क्वेश्चन था, ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए लगातार, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आए हैं आपके।
लाइक विप्रो का अपॉइंटमेंट पूछा था आपका, SHOM के कौन है, शायद वे क्वेश्चन भी आपका पुट ऑन करा गया था, मार्क आपका जोकोविच से पूछा गया था, नवाक जोकोविच से क्वेश्चन आ गया था, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे। लोकबागों के साथ दिक्कत है कि रिविजन उनका बहुत कम होता है पेपर में जाना। मैंने बार बार आपसे बोला है कि आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, पढ़ते हैं लोग बाग सब करते हैं बट रिवीजन इतना नहीं हो पाता कि लास्ट टाइम पे जाके चीजें भूल जाते हैं या कुछ और हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर वहां पर उन्हें टुक्के मुक्के मारने पड़ते हैं और वो चीज माइनस मार्किंग होकर उनके नंबर कम करवा देती है। तो इस चीज का विशेषकर ख्याल रखिए, चीजें वही हैं, चीजें अलग नहीं है। आप सोचो कई सारे लोग सोचते हैं यार कुछ अलग ऐसा मिल जाए जिससे हम बहुत अच्छा स्कोर कर लें, वही चीजों को पढ़कर लोगों ने अच्छा स्कोर करा है, ये चीज आप याद रखिए। कई ऐसे लोग हैं जिनने वही चीजें पढ़ी और अच्छा स्कोर करा है। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका स्कोर कम है तो या तो आपका रिविजन कम है या आप आती हुई चीजों को गलत करके आए हो। तो इन सब चीजों को आपको शॉर्ट कवर करना है, कुछ चीजों को हमको जोड़ना है, कुछ चीजों को ऐड करना है। जैसे SSC की अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखो बेसिक, अब पहले ऐसा होता था SSC बीच में करंट और स्टैटिक ओरिएंटेड हो चुका था, बट अभी एक दो साल से SSC बेसिक से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो पहली चीज अगर मैं आपको बात करूं, आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का बेसिक अच्छा करना है, आपका GS में ध्यान देना है आपको बेसिक्स पे थोड़ा सा। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको एक साल का करना है, इससे पीछे का करंट अफेयर्स कोई करंट अफेयर्स नहीं होता है। अगर पीछे का पूछ रहा है तो हम उसको स्किप करेंगे क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है। और ये चीज आप याद रख लीजिए, SSC बहुत आगे तक का करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। तो पेपर के 2-3 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक साल का करंट अफेयर्स करके चलिए। अगर करंट अफेयर के 7-8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 4-5-6 क्वेश्चन भी आप बना पाते हो तो डेट सफिशियंट, पूरे हमको नहीं करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, और स्टैटिक के साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टैटिक लोग लास्ट में जाके करते हैं क्योंकि स्टैटिक वैसे ही टफ होता है क्योंकि वो फैक्ट है तो उसका रिविजन हो नहीं पाता और लास्ट में जाके गलत कर जाते हैं। जैसे फोक डांस का टॉपिक है, फोक डांस बहुत है ना यार, बहुत सारे हैं, उनको आप याद नहीं कर सकते हैं। तो स्टैटिक के साथ आप एक स्ट्रेटेजी ये बना सकते हो कि रोज के 2 पेज स्टैटिक पढ़ने की आदत डाल लो, आज अभी से डाल लो यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज 2 पेज स्टैटिक के कहीं पर जा रहे हो देखना, रोज पेज चालू कर दो, जिससे हैबिट ये होगी कि स्टैटिक बहुत सारी स्टैटिक आपकी तैयार हो जाएगी। तो SSC अगर आप देखोगे तो 15-20 क्वेश्चन सीधे सीधे स्टैटिक GK से आपका पूछ रहा है और वो आते रहेंगे क्योंकि एजेंसी जो है वो TCS है। तो अभी से जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है वो क्या करनी है, थोड़ा बहुत सब सब्जेक्ट का बेसिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स एक साल की आपको तैयार करनी है और स्टैटिक आपको रोज आपको टाइम देना है स्टैटिक GK के लिए। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो सिंपल सी बात है, मॉडरेट से टफ एग्जाम था, मैंने आपको फिर बता दिया है 25-30 नंबर अगर आपके आ रहे होंगे तो आप इस एग्जाम में आराम से बहुत अच्छा स्कोर आपने करा है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ों का ख्याल रख के आप अपनी तैयारी को दोबारा से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जल्दी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ हो रही है वो पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पढ़ा है, उन्होंने सब चीज़ें पढ़ी, उन्हें हिस्ट्री पढ़ी है, उन्हें पॉलिटी पढ़ी है, उन्हें आता भी है, बट पेपर में जाके उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये बड़ी दिक्कत का सामना बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट की कंप्लेन ये आती है सर पेपर में जाके उनका गलत हो रहा है। एक स्टूडेंट की तो आंसर की मैंने खुद ने देखी थी, उसको मैंने पढ़ाया, सब कुछ बढ़िया था, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट उसकी आंसर की मैं खुद देख रहा हूँ और कई ऐसे क्वेश्चन थे जो सब कुछ बिल्कुल सामने रखा है वो भी उनको गलत करके आया है। तो बात यह है कि पेपर में जाके आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता है या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या क्या दिक्कत है। तो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपरों को मैं डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा ये सीरीज लाइव होगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, यूट्यूब पे मैं लाइव लेने वाला हूँ, ठीक है। और जल्दी एक नया बैच भी मैं GS का स्टार्ट करने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उन्हें GS को लेकर बहुत हवा टाइप का लग रहा है कि कैसे GS करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बहुत नए बच्चे भी हैं, और ए बैच भी मैं लाइव लेकर आने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड क्लास में नहीं बता पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये दो चीज़ों पे हम काम करने वाले हैं, एक तो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा, डेट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो बैच होगा आपका ऑनलाइन बैच होगा, लाइव बैच होगा, वो कुछ थोड़ा बहुत आपका हो सकता है वो पैसों से हो, ठीक है। तो दो चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं, बाकी आप लोग पढ़ते बिल्कुल रहिए, बिल्कुल भी इसमें क्या बोलते हैं लापरवाही मत बरती है क्योंकि एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।